प्रीवियसली ऑन टू मैन टू बाइक्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:40 और अब तक हमको राइड पे निकल जाना चाहिए था, बट अभी हम हॉस्पिटल से रिटर्न कर रहे हैं। होपफुली ऐसा ही रोड रहे ताकि हम आराम से चला सके, क्योंकि अभी हमने जो 180 किलोमीटर अराउंड 200 किलोमीटर जो चला है बहुत ही गंदा था। मतलब अंशुमन को आप देख ही सकते, उसका हालत खराब है, अपना स्लाइडर्स पे पैर रख के आराम कर रहा है वो। एंड ही इज टेकिंग अ सेल्फी, विश्वजीत अ पॉपुलर यूट्यूबर, विश्वजीत द सुपरस्टार, उसके साथ आज लोग सेल्फी ले रहे थे। काइंडली डू योर डांस। और ये रहा धनबाद, द ब्लैक डायमंड सिटी। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट ऊपर वही लिखा है। माय बॉयज, यह दिस इज माय सेकंड बॉय, यह सेक्सी। सीधा अंदर। पैकिंग वगैरह डन। हेलो एवरी वन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू टू मैन टू बाइक्स। एंड आज है डे टू एंड ऑलरेडी आई हैव इंजर्ड माई आई अ बिट। जैकेट का जो वेलक्रो होता है वो मेरे आँख में लग गया, तो इट्स काइंड ऑफ रेड। एनीवेज, पैकिंग वगैरह हो गया है, स्टिकर्स वगैरह लगा लिए, वो लोग वहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। अभी आज का प्लान ये है कि हम लोग देवघर से होके सिलीगुड़ी जाएंगे। टाइम हो रहा है अराउंड 8:23। वेदर का हिसाब किताब थोड़ा देखते हैं, यूजली गर्म ही रहने वाला है। हाइड्रेशन पैक वगैरह वो सब फिल करवा ही लिए हैं। और अभी बेसिकली हम लोग थोड़ा सा चलाने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, फिर देखते हैं। एनीवेज, ये बाइक्स हमारे ड्यूक R&D पल्सर एंड वी आर ऑलरेडी लेट एज यूजुअल। और ये हम निकल पड़े देवगढ़ के लिए और हम धनबाद छोड़ रहे हैं। थैंक यू धनबाद। सो अभी फ़िलहाल एक्चुअली धनबाद इज अराउंड 121 किलोमीटर्स। तो अभी क्या हो गया, स्ट्रैप इश्यूज। ओके, सो ये अभी हाईवे है, हम थोड़ा सा हाईवे को ज्वाइन करेंगे फॉर अराउंड हार्डली 5-6 किलोमीटर के लिए। उसके बाद वी विल हैव टू, अरे दिल्ली 1200, वाराणसी 409, वाओ, कभी तो ये जाना पड़ेगा दिल्ली की तरफ। एनीवेज, अबे वो उधर क्यों घूम गया, विषय भी शहीद हो जाता। अरे तेरी माँ की, अबे वो साला। और एक सो वेलकम टू टू मैन टू बाइक्स, दिस इज व्हाट वी डू। अबे वो पीछे है, अबे वो अबे पीछे है बे, पीछे अबे राइट टर्न लेगा तू। Yeah.
रिकॉर्ड खोल गया। किधर है? होटल में। रहन दे। कितने का है? कितने का है? 1200 का फेयर लिया था मैं दोनों। छोड़ दे, वापसी में ले लेंगे। हाँ वापसी में ले लेंगे। हाँ फोन कर देता हूँ, वहाँ पे पहुँचे फोन कर देना। वापसी का देखते हैं, वरना सिलीगुड़ी से ले ले। सिलीगुड़ी से ले लूँगा ना, सिर्फ सिम कार्ड ले लूँगा। हाँ है ना। हाँ चलो देखते हैं। हमारा इतना होटल से 40 किलोमीटर चल गया है ना, 10-20 होता भी तो चले जाते वापस। मेरे को बाद में ध्यान आया उसका। चलो देखा जाएगा। रूम में तो नहीं था रूम में? अरे वहाँ पर था, जहाँ पर तुम लोग का जूता रखा होता ना, उसके पीछे था वो। चलो चलो चलो, जूता रखा था एक साइड, सिम कार्ड था, सिम कार्ड अंदर रखा, अंदर चले गया होगा। चलो चलो कोई नहीं। ओके सो बेसिकली दीगर अपना नी गार्ड लेना भूल गया होटल से, वो होटल के टेबल के नीचे रखा हुआ था। सो अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि लाइक क्या करें, देखते हैं। आप तो सुने होंगे हम लोग क्या डिस्कस किए, तो फिलहाल हम लोग कंटिन्यू ही करते हैं। देवगढ़ के लिए काफ़ी दूर है एक्चुअली, मतलब ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 40 किलोमीटर्स, और फिर से वापस जाना मतलब इट विल जस्ट टेक टू मच ऑफ टाइम। तथे अगर बुलाया बैंक कौन ही सर यू टर्न नहीं पहुँचेगा, से बैंक कौन सी चाहे यू टर्न नहीं पछुक आसपा कौची। हाँ तो पछुक कहीं जी आम सीधा कपड़े कौन बाट कौन है मैप पागल कहीं है। हाँ बस है वा, अबे वो पीछे क्यों एक ले रहा है, रुक जा। What the fuck? What the fuck? अबे डिगी अबे सुन, तेरा मैप दिखा एक बार। बोल ये क्या चाहिए इनको अभी। अबे एक जगह से ना, नहीं वो देख वो पीछे क्यों ले रहा है हमें। तो हम लोग इतना जो अभी इतना जो कवर किए थे वो कुछ काम का नहीं रहा। नहीं ये ना, अबे बात से कवर तो किए हैं, छोटे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है अभी। तो हम लोग देवगढ़ एक जगह मारे नहीं है क्या? डेस्टिनेशन देवगढ़ ही है ना। तो बेसिकली वी हैड अ स्कैम। ये तो क्या साला समझ नहीं आया क्या हुआ ये तो क्या? हाँ तो ये तो हम धीरेन्द्र हो क्या है अभी शायद। नहीं अबे अपन एक टर्न छोड़ दिया साले। हाँ वही हुआ है, बीना वाला टर्न छोड़ दिया साले, बहुत आगे आगे हैं अपन, वापस जाना पड़ेगा। समझा क्या हुआ? स्कैम हुआ, स्कैम। कौन सा वाला टर्न? कौन सा वाला? कोई तो एक टर्न छोड़े हैं, एक आगे एक शार्प राइट है। मैं एक्चुअली हाँ रे समझा क्या हुआ। हाँ हाँ वो अल्टरनेट 27 मिनट लोअर वाला रूट पे चले जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, वहाँ पर एक शॉप राइट टर्न आने वाला था। हाँ 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 हम लोग वहाँ से घूम गए, छोड़ दिए। हाँ डे इज गोइंग गुड, वी आर डूइंग ग्रेट प्रोग्रेस टुडे। बेसिकली हुआ है हमारे साथ स्कैम। ये घुमा रहा है हमको साला। चलो चलो सपर चलो सवा डिगी से डियो देखी
और ये हो रहा है हमारे साथ बहुत गंदा स्कैम। गूगल मैप बेसिकली एज पर आवर एनालिसिस डिगी रो आ गए तुम मौज ले रहो ना 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 जागू आगू ना सी आज चले तो बोलो खाएगा कुछ खाएगा कुछ अभी नहीं सीधा पहुंचे खाते 25 किलोमीटर बचा है ये देवघर पहुंचे खाते मैं डायरेक्ट हसदिया डाल दिया हूं मैं देवघर डाला हूं देवघर में क्यों रुकेगा हसदिया डाल चले जाते थे आगे राइट बोल रहा है क्या हां ठीक है चल देवघर चलते वहां से हसदिया चल चलेंगे ना हां अगर वो देवघर के अंदर लेगा तो बाहर से अगर रास्ता को तो चले जाएंगे तो बाहर से तो ढाबे में रुक जाएंगे ना हां हाँ नहीं या फिर डायरेक्ट लंच करेगा नहीं नहीं तो खा लेता यार यहाँ पे खा लेना तो अभी हम लोग सोचे कि थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू सिलीगुड़ी वगैरह में तो डाल चुका हूँ मैप में खा लेते हैं कुछ तेरा मेरा इंटरकॉम भी पेयर करते हैं भाई होटल वाला फोन किया था लेग गार्ड छूट गया करके हाँ मैं बोला बोलता है रखा हूँ आप आके ले लीजिएगा ठीक है चल खा लेते हैं कुछ देखते हैं क्या है खाने समोसे हैं भाजी हैं देखते हैं और क्या क्या होगा खाने के लिए क्या क्या है खाने के लिए अच्छा एक मिनट बोलता हूँ मस्त एक घुमा फिरा के एक मस्त देते हैं मस्त ये लोग घुमा फिरा के एक देते हैं तो अच्छा लगता है चल खा के देखते हैं बड़े बड़े घंटी की दूसरे तो भल लगे चाट वाले हाँ ओके सो वी हैव स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं एंड गर्मी काफ़ी है शुरू द बाइक्स तो फिलहाल हम लोग अभी देवगढ़ जाएंगे देवगढ़ से हंसदिया से फिर सिलीगुड़ी फिर सिलीगुड़ी में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अभी बज रहा है इट्स अराउंड 11:07 एंड पहुँचते वहाँ से कितना होगा रे डिगी कितना होगा पहुँचते पहुँचते 400 अराउंड 8:30 आठ बज जाएगा ना 8:00 कितना घंटा बोल रहे हैं 9:30 और कितना किलोमीटर 9:30 दिखा रहा है 9 कितना किलोमीटर 400 किलोमीटर 400 ठीक है देखते हैं कितना क्या लगेगा ओके सो इट्स 12:52 अभी थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लिए थे टू चेंज वगैरह सीट गया ये साला मारेगा रे बाबा चलो एंड वी आर इन बिहार एंड वी आर अलाइव वी ऑल थ्री आर अलाइव पीपल आर इधर कमिंग टू दिस साइड or they are coming from that side basically there this is the only patch of part of road they are seeing there is basically no road that is existing for them so abhi aur we will be driving for around 50-60 kilometers soch rahe hain ki bhagalpur mein hi refill karwa denge fir wahan pe thoda sa ka break break le lenge lunch karne ka irada biswajit ka mujhe biswajit mostly lunch karega nahi
दिग्विजय का भी मोस्टली उसका लंच करने का नहीं है, तो मोस्टली उन्हें लंच स्किप कर सकते हैं, तो सो दैट वी कैन डायरेक्टली कीप ऑन गोइंग एंड लेट्स टॉक अबाउट दी रोड्स। रोड्स इट्स नॉट द बेस्ट, झारखंड के रोड्स थोड़े से बेटर थे, यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैचेस आने लगा है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी ऐसे ट्रीज सराउंडेड होके है एंड ऑल, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए कहीं भी रुक रहे थे वी इमीडिएटली स्टार्ट स्वेटिंग एंड मेरा फ़ोन बहुत ओवरहीट हो जाता है। दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर, तो लेट्स कीप ऑन गोइंग, वी विल सी यू। आगे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तब बात करते हैं, तब हम एक स्टेटस अपडेट देंगे। ओके सो वी हैव डन अबाउट 243 किलोमीटर्स। अभी हम लोग भगलपुर के पास में ही है, पेट्रोल पम्प में थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं एंड काफ़ी टायरिंग है बिकॉज रोड्स गांव वाले रोड्स हैं, थोड़े अच्छे हैं बट बीच में इतना स्पीड ब्रेकर आ जाता है कि कुछ बोल नहीं सकते। इट्स एक्चुअली वेरी मच टायरिंग। हालत थोड़ा सा ख़राब है बिकॉज कल का भी जो हम लोग राइड किए थे अराउंड 500 किलोमीटर्स, आज का भी राइड किए हैं 500 किलोमीटर्स। इवन दिग्विजय इज टायर्ड एंड ही हैज़ ऑल्सो टेकन सम पेन किलर्स and Bisut is as usual busy in his bathroom work. तो ऐसा हालत है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे। एक्चुअली ढाबा में जाने का प्लान था इसलिए क्योंकि गर्मी है, गर्मी के कारण ज़्यादा टायरिंग हाँ वो तो है। और जो रोड्स है वो सिंगल लेन रोड्स है, सिंगल लेन रोड, वो बीच में इतना मतलब स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, स्पीड ब्रेकर इतना आ रहा है तो उसको कैसे क्या तुम लोग करोगे, वो पूरा शोल्डर वहाँ से जंप करके भी लेके जाओ तो बहुत दिक्कत, शोल्डर बहुत पेन करता है, तो ऐसा सीन है एक्चुअली, काफ़ी इसीलिए काफ़ी टायरिंग लग रहा है एक्चुअली। हाँ मैं बोल रहा हूँ ढाबा जाने का प्लान था बट इतना पेशेंस नहीं है कि वह ढाबा भी जा सके, तो यहाँ पे सोचा आधा घंटा एकदम रेस्ट लेंगे, अगर भूख लगा तो देखते हैं कहीं रोक के खाएंगे, वरना रहने दो यार, बाद में फिर 4-5 बजे जब ब्रेक लेंगे खाएंगे। ठीक है फिर हम आपसे रास्ते में, ठीक है चलो चलो क्या है। We were already exhausted due to this extreme heat and bad condition of roads, and to make things worse, we had more than 250 kilometers to cover, which is basically more than half of the journey that was still pending for the day. It was actually tough to keep on going, but we had a lot of determination to come to actually reach Siliguri as soon as possible and as safely as possible. And somewhere deep inside we knew that from tomorrow onwards, from day 3 onwards, everything is going to be different. The roads, the environment, everything is going to be different, and it was beyond anyone's imagination. And with that hope, we kept on going. I don't know how much you guys can see, but this is a really beautiful scene. Sun has already set down. Behind me there's a beautiful backdrop. My mates ahead of me, I'm following them, we are going to a great place, wow, and we are having a lot of fun. It is definitely tiring but it's damn fun. So we are finally in Siliguri, yahan se humko right turn lena hai, then we will reach the hotel finally. Abhi baj rahe hain 7:03, around hum log chalate hain gaadi 10 to 11 hours ke liye. And officially more than 500 kilometers, more 2.8 kilometers to go. Anyways, it's green now, let's go. For some weird reason I'm having some starting issues now. ओके सो वी हैव फाइनली रीच सिलीगुड़ी, अराउंड 509 किलोमीटर्स हुआ और रास्ता, व्हाट डू यू वांट टू से, रोड्स आर अमेजिंग, रोड्स अच्छे थे लिटरली, बट पैच वर्क जो होता है ना रोड में वो पूरा हालत खराब कर दिया। इन केस यू आर वंडरिंग वेयर इज बिश्वजीत, ही इज एज यूजुअल इन हिज बाथरूम। लास्ट यू ऑलवेज शूट द वीडियोस व्हेन ही इज इन द बाथरूम, दैट्स द मेन सीन, वही मेन है और कुछ मेन नहीं है। गजब का मौका, मेरा ही तो मौका होना चाहिए ना, मजा आ रहा है, ये भी ठीक है वो तो है। तो अभी हम लोग फटाक से डिनर करेंगे, कल सुबह फिर निकलेंगे रवांगला, नामची पहले, नामची फिर रवांगला। नामची चारधाम में ही है ना? हाँ भाई, नामची में ही चारधाम है।
अच्छा ओके आई एम वेरी पुअर एनीवेज बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर ज्योग्राफी